हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? मैं हूँ कोमल कटारिया एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो जैसा कि आपको पता है, करवा चौथ आने वाला है। सिर्फ हमारे पास आज 13 तारीख है, तो कुछ ही दिन बचे हैं। सो आई थॉट क्यों ना मैं आपके साथ अपना सीक्रेट बोल सकते हो आप, एक ऐसी 2-3 चीज़ें शेयर करूँगी जिससे आपका जो फेस है वो एकदम फेशियल टाइप ग्लो करेगा, जो कि मैं हर साल करवा चौथ से 1 हफ्ता पहले करना शुरू कर देती हूँ, ताकि करवा चौथ वाले दिन मेरा मुंह एकदम बढ़िया वाला चमके। तो जो भी चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगी सारी आपके साथ शेयर करूँगी। एंड दूसरी चीज़, ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए हैं, हस्बैंड वाइफ कर सकते हैं, नॉर्मल डेज़ में भी आप लोग इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि आपका फेस का ग्लो जो है हमेशा बना रहे। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो को आगे स्टार्ट करेंगे एंड दिखाऊंगी मैं आपको कि मैं क्या मेरे फेस के लिए यूज़ करती हूँ, जो कि मेरे फेस को प्रॉपर ग्लोइंग बनाता है। एंड विद इन 7 डेज करवा चौथ वाला दिन मेरा ग्लो नेक्स्ट लेवल हो जाता है। सो लेट्स गो। सो सबसे पहला जो हमारा है वो सैंडलवुड पाउडर है, जो कि आपको अमेज़ोन पे बड़े ही आराम से मिल जाएगा। ये पाउडर हमारी स्किन को जो है ब्राइट करने में, लाइट करने में एंड टैनिंग रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये सिर्फ 400 रुपीज़ का है, बट ये बहुत लंबा चलता है। 200 ग्राम्स इसकी क्वांटिटी होती है एंड दिस पाउडर इज़ अमेजिंग। प्रियंका चोपड़ा मैम की वीडियो से मैंने ये मंगवाया था, तो मैंने 3-4 बार इस्तेमाल करा है, तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है। तो इसमें मैं एक चम्मच जो है सैंडलवुड पाउडर लूँगी। उसके बाद मैं 1.5 चम्मच जो है अपना बेसन लूँगी। ज़्यादा क्वांटिटी अगर आप लेना चाहे, फुल बॉडी के लिए अगर आप बना रहे हैं तो आप ले सकते हैं। और साथ में थोड़ी सी इसके अंदर जाएगी हल्दी, क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक होती है, तो हमारे फेस पे जितने भी पिंपल्स हैं उन सबको रिमूव करने में ये हेल्प करेगी। साथ में हमें दही चाहिए, जो कि फ्रेश कर्ड होनी चाहिए आपकी। और यहाँ पर इसके अंदर 1 चम्मच शहद जाएगा, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है, 1 चम्मच शहद इनफ है। और साथ ही में जाएगा ऊपर का दही, जो मलाई वाला हिस्सा होता है वो आपको कर लेनी है। और इसको अच्छे से हम कर देंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद इसके अंदर एक लास्ट इंग्रेडिएंट जाएगा, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारा लेमन। लेमन की 8 to 9 ड्रॉप्स इनफ है इस पैक को बनाने के लिए। और इसको फिर हम अपने फेस पर लगाएंगे। तो पैक को फेस पर लगाने से पहले भाई मुझे शैम्पू नहीं करना था, तो इसकी वजह से मैंने ये वाला अपना बैंड लगाया है पावनी का। इस पैक को जो है थोड़ा थिक ही रखेंगे, क्योंकि थिक पैक से जो है हमारे फेस पे लेयर अच्छी आएगी और हमारे फेस के अंदर तक जो है ये हमारा पैक चला जाएगा। और अपना फेस ज़रूर वॉश कर लेना भाई, मेरा मुंह ऑलरेडी धो रखा था, तो मैंने दोबारा वॉश नहीं किया। तो एक अच्छी सी लेयर जो है इसको अपने हैंड्स की हेल्प से आप लगा लेंगे, क्योंकि पेस्ट काफ़ी थिक है, तो ब्रश की मदद से अगर आप लगाएंगे तो वो लग नहीं पाएगा अच्छे से। हर एक एरिया आपके अंडर आई, फोरहेड, साइड एरिया, नेक एरिया अच्छे से उसको कवर करना है। चिन का एरिया जो है, अपर लिप्स का एरिया है, और लास्ट में जब हम वॉश करेंगे तब हम लिप्स पे भी इसको थोड़ा सा स्क्रबिंग कर लेंगे। तो नेक पे भी अच्छे भर भर के लगाएँ, क्योंकि नेक का कलर डिसकलरेशन हो जाती है कई बार धूप में निकलने से, तो उससे बचने के लिए आप सो नेक पे ज़रूर लगाएं। कोई भी आपका पैक हो, नेक पे लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, 7 डेज चैलेंज है, 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैं मास्क लेकर के आपके लिए आऊँगी। और इसको हम 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, बाकी जो बचा है इसको मैं मेरे हाथों पे, मेरे पैरों पे लगाऊंगी। तो पूरे 20 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं पूरा जो है पैक मेरा ड्राई हो चुका है। तो यहाँ स्विस ब्यूटी का मैंने ये स्पंज मंगवाया था, जिससे मैं मेरे मेकअप रिमूव कर सकूँ या फिर इस तरीके की चीज़ें हटा सकूँ, पैक वगैरह, जो कि बहुत ही यूज़फुल है, आप भी मंगा लीजिए। वो जो स्पंज हम यूज़ करते हैं ना, फॉम वाले जो होते हैं, उनसे तो ये बहुत ही बेटर है। तो नेक का रिमूव करने के बाद मैं अपने फेस पे इसको गीला करके जो है अपने पूरे फेस पे लगा रही हूँ, क्योंकि अब हमें क्या करना है, अपने फेस को हमें स्क्रब करना है, यानी इसको थोड़ा थोड़ा रगड़ना है सर्कुलर मोशन में। और यहाँ विराज आपको हाई बोल रहा है। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो मेरा प्रॉपर नेक अपना क्लीन कर लिया है, उसके बाद मैं सर्कुलर मोशन में जो है अपने इसको अच्छे से साफ़ करूँगी फेस को।
इसको रब करूँगी ताकि मेरे जितने भी डेड स्किन है, टैनिंग है, सारी रिमूव हो सके। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जब भी आप स्क्रबिंग करते हैं या फिर अपना कोई भी फेस मास्क लगाते हैं, सबसे पहले अपने मुँह को अच्छे से साफ करें, उसके बाद पैक लगाएं एंड आफ्टर दैट उस पैक को अच्छे से रब करें स्किन में, ताकि जितनी भी उसकी अच्छी चीज़ें हैं वो आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएँ और आपका स्किन एकदम निखर के बाहर आए। सो गाइज, इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। दूसरी तरफ भी मैं सेम चीज़ सर्कुलर मोशन में जो है अपनी स्किन को रब कर रही हूँ फेस पे अच्छे से उसको, और मेरे थोड़ा सा आँख में भी चला गया था तो इसलिए मैं अपनी आँख ही खोल नहीं रही हूँ, और इसको मैं रिमूव कर लूँगी स्पंज की हेल्प से। और जितना हो सके लाइट हैंड से, ज़्यादा आपको हार्श नहीं हो रहा है अपनी स्किन के साथ, क्योंकि ये पैक ऑलरेडी काफ़ी थिक हो जाता है जब आप अपने फेस पे लगाते हैं। तो इसको फेस को जो है अच्छे से मैं वॉश कर लूँगी पानी की मदद से। एंड गाइस, 7 डेज के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैं मास्क आपके लिए फेस पे लगाने के लेकर आऊँगी। सो अभी थोड़ा सा रुक के मेरे वीडियो को अच्छे से देखें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को एंड कमेंट करके बताएं आपको अगर फेस पे कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी मैं आपको अलग से मास्क बता दूँगी। सो डू फॉलो मी गाइज। एंड आप देख सकते हो मैंने पूरा पर अच्छे से जो है पूरा स्पंज की हेल्प से इसको रिमूव कर लिया है मेरे मास्क को, और जितना हल्के हाथों से आप करेंगे उतना ही आपकी स्किन जेंटली क्लीन रहेगी। आप देख सकते हैं मेरी स्किन बहुत ही स्मूथ हो चुकी है इस टाइम पे, और अब मैं जो है अपना फेस वॉश करूँगी। और जो फेस वॉश है वो आपको एकदम प्लेन वाटर से करना है, और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, 7 डेज़ के लिए आप अपने फेस पर कोई भी फेस वॉश यूज़ नहीं करेंगे। ट्राई करना, कोशिश करना कोई मेकअप इस्तेमाल ना करें। सो गाइज, एज यू कैन सी विद इन अ फर्स्ट ट्राई, यानी आज मेरा फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे में इतना ज़्यादा डिफरेंस भाई मुझे दिख रहा है। आप लोग बताओ कमेंट करके आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माई फेस राइट नाउ। मैंने मेरे सो गाइज, इसके बाद आता है हमारा फाइनल स्टेप जो कि है मॉइस्चराइज करना, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप अपने फेस को अच्छे से क्रीम से मॉइस्चराइज करिए, जितना मॉइस्चराइज आप रखेंगे उतनी ही स्किन आपकी ग्लोई बनी रहेगी। सनस्क्रीन लगाना ना भूलें अगर आप बाहर ट्रैवल करते हैं या जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से मेरे पूरे फेस पर जो है मसाज कर रही हूँ। इस तरीके से आपको अपने फेस पर मसाज करनी है ताकि जो आपका फेस है वो अपलिफ्ट रहे, और बहुत अच्छे से जो है आपको हल्के हाथों से और हल्का सा प्रेशर, यानी इतने भी हल्के हाथ नहीं कि बिल्कुल ही पता भी ना चले स्किन पे कुछ हो रहा है, बट हल्के से प्रेशर के साथ आपको करना है, जिससे कि आपका फेस जो है लुक बहुत अच्छी आए। और आपके फेस मॉइस्चराइज करने के बाद अंडर आइज में भी आप लगाएंगे ताकि पफिनेस जो है आपकी कम हो जाए। एंड दिस इज़ द स्किन गाइज। सो गाइज, ये सारा आपको करना है। ये सब करने के बाद जो है आपको अपनी स्किन पे कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं करनी सिवाय इस मॉइस्चराइज़र के। जो मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ वो ऑन एंड ऑन का स्ट्रॉबेरी का है। आई विल शो यू द पिक्चर ओवर हियर, आप देख सकते हैं। एंड ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, क्योंकि फ़िलहाल क्या हो रहा है कि सीज़न चेंज हो रहा है दोबारा से, तो स्किन ना ड्राई हो रही है, तो उसके लिए बहुत बेस्ट है ये वाला मॉइस्चराइज़र। और जिसकी ड्राई स्किन है उसके लिए जितना मॉइस्चराइज्ड अगर आप रखेंगे अपने फेस को तो उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो गाइज, अगर आपको ये वाला व्लॉग, ये वीडियो, ये उपटन आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड कमेंट करके बताना कि आपको ये वाला व्लॉग मेरा कैसा लगा। और जितना हो सके इसको आप अप्लाई करिए अपने स्किन पे। हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो ये उपटन पसंद आया हो तो कमेंट करके बताओ, और आपकी स्किन पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, तो उनके सोल्यूशन भी मैं आपके साथ लेकर आऊँगी। सो 7 डेज, 7 डिफरेंट स्टाइल ऑफ चैलेंजेस आई एम गोना टेक विद यू, और अलग अलग तरीके के उपटन उसमें मैं आपको बनाने सिखाऊंगी, मैं खुद अपने फेस पे इस्तेमाल करूँगी, और देखेंगे 7th डे हमारा ग्लो कौन सा होगा, कैसा होगा। एंड एक और चीज़, आपके फेस के लिए कौन सा ऑप्टन बेस्ट है ये भी कमेंट करके बताना, और उसी को फिर आप रेगुलर अप्लाई करते हैं तो आपका ग्लो बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाला है। ट्रस्ट मी गाइस, कोई भी अगर हम चीज़ रेगुलरली करते हैं तो उसका असर डेफिनेटली हमारे स्किन पे आता है। फेशियल से तो बेटर है कि आप घर की चीज़ें करके जो है अपने फेस को अच्छा बनाइए। सो बाय बाय, टेक केयर। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा।